दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी एवं प्रदेश के गृह मंत्री रामदास साहू ने शनिवार को रिसाली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास के बल पर कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से इस बार भी विजयी पताका लहराएगी। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में एक बार पुनः भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प भी लिया। हम लोग जिस समय पिछले जो चुनाव हुआ उस समय भी यहाँ कार्यालय रखे थे और यहाँ इसीलिए फिर से इस बार कार्यालय रखे हैं। और रणनीति के जहाँ तक प्रश्न है, बहुत अधिक ज़्यादा रणनीति की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिसाली नगर निगम का चुनाव हुआ, जनता ने आशी उसके पहले हम लोगों ने काम किया, निगम बनाया, अन्यान्य काम किया, तो उसके बल पर जनता ने आशीर्वाद दिया। और लगातार हमारे सभापति, महापौर, MIC मेंबर, वार्ड पार्षद, एल्डरमैन, ये सब लोग, हमारे कांग्रेस संगठन के लोग लगातार वार्डों में जाना, दौरा करना, काम करना लगातार जारी रखे हैं। इसलिए अलग से कोई नई रणनीति की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मतदाता लोगों के पास नगर निगम क्षेत्र में जो विकास काम हुए हैं उनको लेकर, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो इन वर्षों में काम किया ग्रामीण अंचल के लिए, शहरी अंचल के लिए, सभी वर्ग के लिए, उसको लेकर मतदाता तक जाएंगे और पूरा विश्वास है हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी ने का बयान नहीं है, मैंने जो कहा था उसको वायरल किए थे, तो मैं उसको कहा कि ये दुष्प्रचार इसी प्रकार से BJP वाले करते हैं, उससे सावधान रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं एक विधायक हूँ, मेरा उनको चैलेंज करने का कभी कोई ना इरादा रहा ना मैं कर सकता, चैलेंज वाली चीज़ कभी नहीं। आगरा या चुनाव का BJP कांग्रेस के दृष्टिकोण से भाषण देना, प्रचार करना अलग है और चैलेंज करना अलग है, मैंने कभी उनको चैलेंज नहीं किया। अच्छा, कल नामांकन रैली में मैंने पहले कहा दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी मतदाता कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जितनी योजनाएं बनाई सर्वहारा वर्ग के लिए, ना केवल उसको कहा गया बल्कि उसको धरातल पर उतारा गया, अमली जामा पहनाया गया, उसका असर है। और इसलिए लोगों में हमारी सरकार के ऊपर विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है, मैंने काम किया है इसलिए हमें मेरे ऊपर विश्वास है, और इसलिए दुर्ग ग्रामीण और शहर दोनों तरफ जो विश्वास है वो कल भी देखने को मिला, आज भी देखने को मिला, और सब में हमारे पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह का वातावरण है। मलाल वाली बात नहीं है, पर बहुत सा काम रहता है, जैसे रिसाली तो नया नगर निगम बना है, मात्र 3 साल हुआ है, और 3 साल में पहले हम लोगों ने यहाँ काम शुरू किया, 1 साल हम लोग काम कर पाए थे, उस समय निगम का चुनाव हुआ, तो 2 साल मात्र इनका काम हुआ, तो 3 साल में जितना ज़्यादा काम, बड़े से बड़ा काम हम लोगों ने किया है, पर 2-3 काम और बड़ा छोटा काम तो लगातार चलता रहेगा, वो हमेशा उसकी आवश्यकता रहती है, पर कुछ बड़ा काम और यहाँ आवश्यक है, जैसे पेयजल की व्यवस्था, उसके लिए सेपरेट हम लोग चाहेंगे कि नदी से फिल्टर इंटक वेल बनाएं और उसके लिए यहाँ फिल्टर प्लांट बना के रिसाली का पेयजल को भिलाई के ऊपर आश्रित न रख के अलग किया जाए, ये एक ज़रूरी काम है जो किया जाना है। और यहाँ ज़मीन और है पट्टा वितरण वगैरह का, तो ज़मीन BSP से लेने का, 150 एकड़ हम लोगों ने लिया है, लेकिन 150 एकड़ और लेने का चल रहा है, वो लेंगे ताकि अस्पताल भवन बनाए, कॉलेज भवन बनाए, ज़रूरतमंद को पट्टा दें, इंडोर स्टेडियम बनाएं, ये सारी चीज़ें और भी यहाँ करनी है, क्योंकि नया निगम है तो सारा चीज़ यहाँ भी नया करना पड़ेगा, निगम का कार्यालय ही नहीं है, तो वो सब चीज़ यहाँ करने की आवश्यकता है। ये कई विधायकों की टिकट कटी, असंतोष लोग जाके जनता नहीं, 75 पार तो हम लोग करेंगे ही, टिकट काटना तो सभी दल का, भाजपा में भी टिकट काटते हैं, कांग्रेस में भी काटते हैं, सभी में आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार, परफॉर्मेंस के अनुसार सभी राजनीतिक दल टिकट काटते हैं। रही सवाल असंतोष की, तो कोई असंतोष नहीं है, एक आध दो लोग होते हैं जो असंतोष व्यक्त करके जाते हैं, तो उससे हमारी पार्टी को, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जो काम इन 5 वर्षों में किया है वो बहुत ज़्यादा है, तो सरकार बनाने
75 पार करने में हमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मेरा विनम्रतापूर्वक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 5 वर्षों में हमारे सरकार के विरुद्ध में बोलने के लिए कोई मसाला नहीं मिला, इसलिए अनावश्यक दुष्प्रचार करते हैं। 15 साल उनके कार्यकाल रहा है, जुआ सट्टा शराब भ्रष्टाचार इसको अगर वो बंद कर दिए थे और 17 दिसंबर 18 को हमारी सरकार शपथ लिए, उसके बाद अगर कोई चीज़ हुआ है तो वो बता दें, उसको फिर मैं मानूंगा, चाहे वो नक्सली मूवमेंट की बात हो, विकास की बात हो, सब चीज़। 15 साल उनकी सरकार रही है, उसमें अगर वो ख़त्म कर चुके थे, नया शुरू हुआ है तो बता दें।